मित्रों आप सभी को नमस्कार। आज हमारे पास एक सवाल आया हमारे उत्तराखंड के भाई का। हमारे उत्तराखंड भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भैया हम लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके हैं, हम लोगों से बहुत पैसा वसूला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके उसमें आए तो फिर पैसा दिया जाए। बड़ा कष्ट हुआ इस बात का कि ये यूपी में ही धंधा चालू नहीं है, हर जगह चालू है, ये दुकानें खोल खोल करके जो चला रहे हैं, शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ वही जुड़ सकता है जो मेरी तरह हो सकता है। जिनको बेईमानी लिखी है किस्मत में तो वो कभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन मैंने उस भाई से एक ही बात कहा, मैंने कहा मेरे भाई पहले तो मेरा डेटा उठा करके ये देख लो कि मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति से एक रुपये खाया हो। लेकिन आज इसी के जवाब पर मैं ये कहना चाहूँगा अपने समस्त उत्तराखंड से लेकर के यूपी हरियाणा मध्य प्रदेश कि प्रिय भाइयों, ये अन्नू त्रिपाठी का जो भी कार्यक्रम जो भी आंदोलन होगा वहाँ पर आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ कोई नेतागिरी करने आया हूँ। मैं एक आपका भाई बन करके या ईश्वर की कृपा रही हो तो आप जैसे लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक आपकी मदद के लिए आपका सहयोग कर रहा हूँ, जिसको हम समाज सेवा कह सकते हैं। आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द ही देख रहे फोन कैसे आते, पागल कर देते। पूजा अभी करके उठा नहीं हूँ, फोन आना चाहिए सुबह से भाई आना चालू हो जाते हैं। अरे भैया थोड़ा बहुत तो हमको समय दो, कम से कम ऑनलाइन आके बात करो, ग्रुप में मैं वैसे भी बात करता हूँ। तो मित्रों आप लोगों का सिर्फ समाज सेवा और सहयोग कर रहा हूँ। जो लोग बार बार मुझे जो टिप्पणियाँ करते हैं, उंगली उठाते हैं, इतना जरूर जान रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही समाज सेवा की अथॉरिटी हम ले लेंगे सरकार से। उसके तहत मैं समस्त सभी अपने ऐसे विभागों के लिए कार्य ओपनली खुल करके कर पाऊंगा। अभी तो मैं जितना कर पा रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। फिर मुझे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका प्राप्त होगा जहाँ पर हम खड़े होकर के आप लोगों के लिए बोल पाएंगे। दूसरे जो मित्रों मैं बार बार तो नहीं कहूँगा, एक ही बार कहूँगा कि जंतर मंतर की धरती पर किसी भी तरह से कोई राजनीतिक पार्टी के बार बार जो लोग कह रहे हैं कि बैनर तले भैया राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं, राजनीतिक पार्टी ने हमारा सहयोग किया है, साथ दिया है। तो मतलब जो व्यक्ति मेरा साथ दे रहा सहयोग दे रहा है उसका हम अनादर करने लगे हैं, क्या चाहते हैं बताइए आप लोग। हमारा मतलब है कि जो हमारा साथ दे रहा जो हमारा सहयोग कर रहा है भाई, पार्टी ने अब तो ये तो नहीं कह दिया ना कि वोट आप दे दो हमको। अरे भाई पार्टी के पास का होगा तो आपका समाधान कराएगी, तब आपसे वोट मांगेगी ना, और नेताओं की तरह तो नहीं कर रही है ना कि भाई यहाँ पहले हमें वोट दे दो, हम वादा करते हैं अब क्या आवाज उठाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले पार्टी काम कर रही है उसके बाद, तो अगर हमें किसी का सहयोग मिल रहा तो जाहिर सी बात हमको लेना चाहिए मेरे भाई। और फिर समाज चौकीदार किसको जानते हैं, अपने इस भाई को जानते हैं, अनु त्रिपाठी को जानते ना, तो मेरे लिए आओ ना मेरे भाई, मेरी बतो बात मानो कम से कम। तो आपको अगर देखिए जहां विश्वास नहीं है मेरे भाई वहां कोई काम नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आप अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर हमारे आप वहां पे एक आह्वान पे पहुंच रहे हो ना, तो आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आज तक नहीं होने दिया तो मैं भैया क्यों होने दूंगा, एक चीज तो हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, जिनको विपक्षियों और विरोधियों के पीछे जाना है तो भैया जाओ, किसी को मैं नहीं मना कर रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देता जो राजनीतिक तत्व की तरह लोगों का इस्तेमाल करें और पद देने का कार्य करें और हमेशा सच्चाई का विरोध करें। मैं नहीं ऐसे लोगों को पसंद करता भाई। जो हमारे साथ होंगे वो हमारे साथ चले आएंगे, जो नहीं होंगे वो जाएंगे। मैं किसी को रोकने वाला कोई अधिकारी नहीं बनता हूं, बस इतना ही बस कहना चाहूंगा मित्रों। और सच क्या है, अगर सच का साथ दोगे, अगर अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, अगर अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो तो अन्नू के साथ आइए। अगर आपको टाइम पास करना है, नेता बनना, हर वीडियो में कह रहा हूं, तो आप विपक्षियों के साथ में पहुंच जाइए, उनको विरोधियों के पास आप वहां जाकर पद ले लीजिए और नेतागिरी करिए। यहां पर नेतागिरी ना करता हूं ना करने दूंगा। हमारा मतलब है कि हमारे जितने भी संगठन भाई हमारा इसमें पूरे लोग मेहनत करते हुए 14 तारीख में आ रहे हैं, उन संगठन के लोगों में ही हमको ये तो देखना है कि कौन से संगठन कौन ईमानदारी से और मजबूती से कार्य कर रहा है। वहां पर यही आह्वान करूंगा, वहां पर मैं ये चाहता हूं कि एक संगठन रहे, उसी में सारे पद रहे और उसी के बैनर तले सभी लोग एकजुट हों। ये मिशन लेकर के चल रहा हूं।
अगर वहां संगठन पहुंचेंगे, उन संगठनों में जो भी अच्छा होगा वहीं पर एकदम चुनाव करा दिया जाएगा एक आवाज में कि इतने इतने संगठन है। समाज चौकीदारों को बोल दिया जाएगा कि आप लोग ये बताइए, कई ऐसे सवाल होंगे, तीन चार सवाल पूछूंगा, उसमें जिसको ज्यादा वोट भाई मिल जाएंगे उस संगठन का वर्चस्व होगा उत्तर प्रदेश में अंदर, वही चौकीदारों का एक संगठन चलेगा। मैं तो आपके ऐसे लीडर चल रहा हूं बनकर के भाई, जो भी संगठन चलेगा अगर हमारे जरा से भी निर्देश नहीं मानेंगे तो क्या फायदा। अरे कुछ तो मानो भाई, जब मैं आपके अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, मैं कौन सा बुरा चाह रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं बने आप लोगों के बीच में, ताकि सक्रिय रूप से हरियाणा की तरह हम लोग भी जीते। जीवन भर संगठनबाजी नहीं करना है कि तब तक संगठन बना करके रोजी रोटी चलानी है, ठीक है बंधु। और कुछ लोग तो ऐसे दोगली बंदी करते हैं, वो कहते हैं अम्मा मीठे, दद्दा मीठे, सब मीठे हमारे बने रहे, तो ऐसा अन्नू के साथ नहीं चलेगा। अगर मीठा बनना है तो मेरे साथ आओ, और अगर ये इधर उधर करोगे कि अन्नू की तरफ हम हो जाएं, उनकी तरफ भी हो जाएं, तो ऐसी राजनीति नहीं चलती भाई। इसको राजनीति कहते, राजनीति मत करो। एक का साथ पकड़ो जिसका भी पकड़ना है, चाहे मेरा पकड़ लो या उनका पकड़ लो, जिस पे भरोसा है उसके साथ आइए। मैं नहीं किसी को बोल रहा हूं। और दूसरी चीज, आप लोग जिनके पास संगठन नहीं है, आप प्लेन पेपर पे मुख मांगे लिख करके आएंगे, वो ज्ञापन दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये भाई है आपके साथ, आप याद रखना, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भैया किसी पार्टी के बैनर के तले हम आपको नहीं झोंकेंगे। हम आपको तभी झोंकेंगे जब आपका सम्मान आपको मिल जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करोगे। करना क्या दिक्कत है यार, भाई आपका भला होना चाहिए ना, होगा। ये सब चीजें दिमाग में लगाओ मेरे भाई, ये मत मानसिकता रखो यार लोगों को बरगलाने में कि वहां राजनीति हो जाएगी, वहां पे पदाधिकारी नेता खड़े होंगे। अरे भैया, पार्टी अगर सहयोग करी, पार्टी के सहयोग नहीं लोगे या हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे अपने लड़ाई लड़ लोगे। दूसरी चीज, अभी तक सब लोग सोए हुए थे, तब किसी को जंतर मंतर नहीं दिखाई दे रहा था। अब मैं जब वहां दिल्ली तक पहुंच गया हूं, तब पीछे पीछे सब पहुंचने लगे, ये तो नकल हो गई ना। ये अच्छी बात है, कम से कम मेरी लोग नकल कर रही है, बहुत बड़ी बात है भाई, और यही हम चाहते हैं। नकल करो मेरे भाइयों, जिसकी नकल होती है तो समझ लो कि वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता हूं, लोग मुझे खुद ही अच्छी तरह जानते, बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मर्द हो तो साथ आओ, बाकी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भाई। जय हिंद।